बोल लो जो बोलना है। सिटी वाला कौन थे? आप थे? और आप शादीशुदा भी हो? हाँ, कौन है इनके साथ? देवी प्रणाम भाई, लड़कियों को बस ऑपोजिट सेक्स से शादी करनी, उनको कोई लेने देने, सिटी मारता है कोई नहीं चलेगा। ये हरकत थी इसकी बायोडेटा में? जैसी फीमेल कॉमिक आई दो बार विशाल सानी को नहीं मारी गई, ले मेरे को मार मार, देख देख जवानी देख साले, मार ना, तब नहीं मारी यार इससे, ये इसमें ही मार देगा पता, ये भाई ये इसने दो उंगलियां लाल दी थी अभी मुंह में, इसको सब चलेगा। मैम आप उसका चेकअप कराओ, कब कितने टाइम हो गया शादी को? फोर इयर्स। हाँ फिर ठीक है, चलो इयर्स होते तो मैम आपका भी चेकअप होता फिर। हम बने तुम बने सीटी मारने के लिए, ऐसे सीटी नहीं मानी होती, क्या करते हो आप? चार्टर्ड अकाउंटेंट थे ना आप, क्या थे? अरे बिजनेस। चलो फिर भी जस्टिफाइड है सर, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके ये हरकत तो बहुत ही गंदी लगती। किस चीज का बिजनेस है? दाल चावल का बताया ना। मैं इसको बनियान में इमेजिन कर पा रहा हूँ। तो इसकी जिंदगी में फन है ही नहीं, बनियान पहन के दाल ले लो, आटा ले लो, चावल ले लो, शो आया हुई मजा आ गए लास्ट फिगर। आप क्या करते हो? टीचर हो आप? किस सब्जेक्ट में? कॉमर्स लाइन में। और जब आप पढ़ रहे थे तब आपको रियलाइज हुआ था कि जो आप ये सब पढ़ाई कर रहे हो एंड में आपको दाल चावल वाला मिलेगा? लव मैरिज? नो। सर आप जीत गए, आप सीटी मारो, नंगे नाचो, लड़की को प्यार है आपसे, आप कोई क्या ही उखाड़ लेगा भाई। नहीं आप तो, आपको अलाउड है सर, कोई नहीं, आपकी जिंदगी वैसे ही रखी। और ये देखो एकदम, ये तो भाव जी बिल्कुल भाई, इतनी बड़ी कैब, इतनी बड़ी बंदर टोपी और इतनी बड़ी जैकेट, ऐसा लग रहा है एवरेस्ट बेस कैंप पे हो रहा है शो। इसके आगे हम पहाड़ी चढ़ेंगे, कोई सांस तो नहीं फूल रहा तुम्हारा, चढ़ेंगे एवरेस्ट। तानसिंह हिलेरी। सर व्हाट इज योर एज? भाई 24। इधर आओगे सर आप, एक मिनट आ सकते हैं क्या? कोविड। ये देखो ये 24 है हमारा बनियों का, दिस इज आवर यंग जनरेशन। कितना भोला, इसे 200 रुपए भी मांगोगे तुम? मन कर रहा तुम्हारे से बेचारे से पैसे ले लो, और अभी इसकी चोर जेब में 500 की गड्डी आऊंगी। ये देखो, कितना प्यारा, देखो आंखों में भोलापन। नहीं भैया कोई पैसा नहीं, भैया छोड़ दो, मेरा कोई प्लॉट नहीं है भैया, मैं बहुत प्यारा। जैकेट देखो कितनी मोटी ताकि गड्डी अंदर से छुप पाए। बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। 24 मेरे जोक और ज्यादा सच होते जा रहे हैं यार। YouTube पे बोलते जैसा तू बताता है वैसे बनिए नहीं होते हरामजादे, उनको दिखा भाई। मैं तब से इसको बाऊजी भी बोल दिया मैंने आते पे, तुमने देखा? मेरे को लगा भाई ये बैठा हुआ है। भाई क्या नाम है आपका? हाँ रौनक। भाई रौनक भाई कुछ तो पर्सन, मतलब नाम के साथ कुछ तो जस्टिफिकेशन कर देता पर्सनैलिटी का। रौनक तेरा नाम मतलब बुझा दिया। बड़ा बुरा हाल है भाई, वेकेशन पे लेके आते थे, वेकेशन तो तुम्हें मेरे को पता ही है, तुम्हें बनिया डेट्स कहाँ ले आते हैं वेकेशन पे? धार्मिक स्थल मथुरा वृंदावन, एक बार ले गए वैष्णो देवी, और वहां भी उनकी एंग्जाइटी खत्म ही नहीं हुई, उनको लग रहा जंग छेड़ दी यहाँ पर। कॉम्पिटिशन दूसरे थे, बेटा जल्दी जल्दी चलो, लोगों की उतराई शुरू हो गई।
चार घंटे पहले चले ना, इसलिए उतराई शुरू हो गई। अरे हमारे साथ वाले अर्धकुंवारी पहुंच गए, गौरव जल्दी जल्दी कदम बढ़ा ले, मुझे दो बैग दे रखे, कदम बढ़ा ले। मेरे साथ में घोड़ा चला था, वो नहीं घोड़ा था जो अपनी पॉटी में फिसल रहा होता है, मैं और वो एक जैसे। मैंने कहा भैया सब आई एम योर ह्यूमन फॉर्म, चल ले जल्दी बढ़ा ले। अलग सी जंग छिड़ी हुई है। फिर भवन पे पहुंचते रहे, भवन पे मत्था टेक के मैं मांग रहा था, हे माता पास करवा देना। अरे ढंग से मांग ले, इतनी दूर आया तो। मैंने कहा हे माता पापा का फेर चलवा दो और ये पकड़े ना जाए, कुछ तो ऐसा मांगना चाह रहे हैं जो मेरे से नहीं मांगे, तो मेरे से मंगवाना चाह रहे हैं। इस आदमी की अरदास पूरी करो माते, नंगे पाँव आऊँ अगली बार। भाई बड़ा खतरनाक है। एक बार ले गए थे हमें वेकेशन कोई अच्छी जगह पे, नॉन रिलीजियस प्लेस, कश्मीर, और मेरी माँ बड़ी एक्साइटेड कि अच्छी फोटो आएंगी। और तब चलता था वो रोल, वो 32 फिल्म वाला ना, तो पापा को लगता था घर वालों की तो रोज़ फोटो देखते हैं और उनकी शक्लें भी, इनकी क्या खींचनी, वादियों की आनी चाहिए, पता चले सबको कश्मीर ढंग से, अरे ये तो कश्मीर है ना। तो 32 फिल्म होती थी, पापा हमें लेकिन बताते नहीं थे कि कैसे खींचने वाले फोटो। पापा ने हमें बगीचे में बिठा दिया, पीछे पहाड़ आ रहा, एक नहीं और पीछे दो नहीं और तीन आ गए, नहीं और चार, अब पहाड़ भी आ गए, झरने भी आ गए, बगीचा भी आ गए, पिचरनार के पेड़ सब कुछ। मैं, मम्मी और भाई, मम्मी इतनी, भाई इतना, मैं इतना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब एटॉमिक फोटो आई हमारी। मेरी मम्मी को फोटो दिखाई एक हफ्ते बाद, देखा आशा कितनी अच्छी फोटो आई है, मम्मी का फोटो में धूल है, कह रहे नहीं ये छोटी सी तू ही तो है। मम्मी कह रहे डेढ़ घंटा मैंने मेकअप किया, हराम जादे नीरस इनका खतरनाक चले जा रहा है। और मैं बता रहा हूँ, जब मैं बीमार होता था तो पापा पहले तो 3 दिन केमिस्ट की दवाई खिलाते थे, फिर उनको लगता था बच्चे की इम्यूनिटी नहीं लड़ पा रही, ये निकल सकता है, तब डॉक्टर की पर्ची कटवाते थे। और अगर मेरे को बुखार है और डॉक्टर की पर्ची कटवा ली मेरे बाप ने 300 रुपए की, तो पापा बोलते हाँ भाई घर में और किसी को कोई बीमारी तो बता दो, गौरव जा रहा है, गौरव और मैं जा रहे हैं डॉक्टर के, कोई बता दो जो उसकी भी जो बीमारी है। तो मेरी बहन को अगर दस्त है और मेरे भाई को हल्के हल्के रैशेज हैं, तो अब मेरे को बुखार, रैशेज और लूज मोशन तीनों है, एक पर्ची में 3 बीमारी का काम।